अभी इंस्टाग्राम पर चल रहा है हमारा गिल्ड टेस्ट। जिन लोगों को हमारे गिल्ड पर आना है वो मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से जाकर फॉलो करना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, एंड वहाँ मुझे 1v2 के गेम प्ले में मेंशन करना है। अच्छा, तो होता क्या है कि एक बंदा मेरे भाई को डीएम करता है और मैं गारंटी देता हूँ उस बंदे का मैसेज देखने के बाद तुम में से कोई भी अपने हंसी को नहीं रोक पाएगा। तो देखो उस बंदे ने लिखा क्या है, एटीट्यूड भाई से मिलवा दो, प्लीज भाई एटीट्यूड भाई मेरे को गांड में ले लो। अबे साले, कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? GAND। अरे भाई कम से कम मैसेज देख के तो करो, ये चीज सही है कि तुम्हें मुझसे मिलना है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैं अपने गांड में ले लूं? मैंने बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक रिसर्च करी कि आखिर ये बंदा आना कहाँ चाहता है। तब जाकर मुझे पता चला इस बंदे को गिल्ड पर आना है, और इस बंदे ने देखो कितना ज्यादा रिक्वेस्ट किया है, प्लीज एटीट्यूड भाई, दो दो जगह इसने लिखा है। ये चीज देख के सच में मेरे आंखों से आंसू आ गए। तुम जो भी हो, तुम्हारे लिए हमेशा मेरे गांड खुले हुए हैं। अरे सॉरी सॉरी, मतलब गिल्ड खुले हुए हैं। भाई लोग, एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको 100 डायमंड्स फ्री में मिलेंगे, बस आपको खिलाड़ी अड्डा ऐप इंस्टॉल करके मेरे रेफरल कोड FREE20 से ज्वाइन करना है। जो मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करेगा उनमें से 10 रैंडम प्लेयर्स को मिलेंगे 100 डायमंड्स खिलाड़ी अड्डा की तरफ से बिल्कुल फ्री। खिलाड़ी अड्डा ऐप में फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को डेली खेलकर आप लोग जीत सकते हैं 2000 से भी ज्यादा कैश। ये ऐप हर महीने लगभग 1500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट करती है, जहां हर खिलाड़ी हर रोज 10,000 तक जीत सकता है। इन सब में मेरा फेवरेट है हर शाम 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल, जिसमें जो सबसे आखिरी तक जिंदा रहता है उसे ही सबसे ज्यादा प्राइज मनी मिलता है। अगर आप किल नहीं कर पाते लेकिन कैंपिंग में एक्सपर्ट हो तो ये खेल बस आपके लिए ही है। ये गेम सबसे हट कर है क्योंकि यहाँ सभी लेवल के प्लेयर्स जीत सकते हैं, वो भी बिना किल्स के, और न्यू यूजर्स को ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। साथ ही इसके डिस्कॉर्ड पर डायमंड गिवअवे एंड प्रैक्टिस स्क्रीम्स भी होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ और FREE20 रेफरल कोड यूज करो और बोनस के साथ पाओ 100 डायमंड्स फ्री। तो अभी रजिस्टर करें। भाई लोग, इस वीडियो पर ना सिर्फ तुम लोग AWM के वन शॉट ट्रिक सीखोगे बल्कि साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक भी सीखोगे जिससे तुम लोग अपने स्नाइपर के हर बुलेट को बंदे पर कनेक्ट कर पाओ। और इतना ही नहीं, तुम लोग ऐसी चीजों को भी जानने वाले हो स्नाइपर्स के बारे में जिसको तुमने कभी पहले नहीं सुना होगा। और गाइस, एक चीज तो बताना ही भूल गया कि इस वीडियो पर तुम लोग विदाउट स्कोप स्नाइपर की ट्रिक भी सीखोगे। फैक्ट नंबर 1, क्या तुम्हें पता है कि AWM का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% बंदों को AWM का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो देखो, जिसको पता है वो कमेंट करना, जिसको नहीं पता है वो सुनो। AWM का फुल फॉर्म होता है आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम, और जिसको तुम लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। फैक्ट नंबर 2, ये जो AWM गन होती है इसकी एक्यूरेसी फ्री फायर के बाकी सभी गन से सबसे ज्यादा होती है, जो कि होता है 90 का एक्यूरेसी, जो तुम लोग बैकग्राउंड पर देख ही पा रहे हो। फैक्ट नंबर 3, फ्री फायर पर 3 स्नाइपर होते हैं, AWM, M82B एंड CAR-98। अब ये चीज सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इन तीनों गन्स का एक्यूरेसी सेम है। हाँ, विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो M82B गन की एक्यूरेसी जो कि है 90। सेम यही चीज है CAR-98 का भी एक्यूरेसी, यानी कि 90। फैक्ट नंबर 4, देखो जब भी तुम लोग कोई भी गन का यूज करते हो, मतलब कि मान लो तुम लोगों ने UMP गन का यूज किया, तो UMP गन का क्या होता है कि तुम लोग बंदे के साइड पर जब फायरिंग करते हो तो बंदे को नहीं लगे, लेकिन चाहे तुम लोग कोई भी स्नाइपर ले लो उस पर अगर तुम लोग फायरिंग करते हो बंदे के साइड पर, तो स्नाइपर का एम बंदे के बॉडी पर कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो जो एम होगा वो बंदे के साइड पर ही जाएगी, लेकिन बंदे को डैमेज लगेगा। फैक्ट नंबर 5, मतलब ये जो सेटिंग पर तुम्हें ये जो ऑप्शन मिलता है फुल कंट्रोल का, इसको अगर तुम लोग ऑन कर देते हो तो बंदे के अगर साइड पर मारते हो तो साइड पर ही बुलेट लगेगी, बंदे को नहीं लगे, लेकिन कोई भी स्नाइपर हो, चाहे AWM, CAR-98 या M82, सभी पर इन गन्स का कोई भी असर नहीं होता। अगर तुम लोग फुल कंट्रोल पर भी खेलते हो तो भी बंदे पर उतना ही ज्यादा एम लॉक होगा जितना कि तुम्हारा डिफॉल्ट पर हो रहा था। सिंपली तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर जाना है, एंड सबसे पहले तुम्हें अपने लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज ऑन कर देना है, देन क्विक वेपन स्विच का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको भी तुम्हें ऑन कर देना है। देन नीचे स्क्रॉल करने पर तुम्हें यहाँ एक सेटिंग दिख रही है, इसको तुम्हें क्या करना है, होल्ड फायर टू स्कोप कर देना। देन इसके बाद तुम्हें अपने कस्टम HUD पर जाना है, एंड यहाँ पर मिडिल पर तुम्हें क्या करना है, पेट का इमोट को सेट करना है, इससे तुम्हें हेल्प होती है कि ये जहाँ पर भी ये पॉइंट होगा वहीं पर बुलेट लगेगी। ट्रिक नंबर 1, देखो हमेशा तुम्हें अपने एम को क्या करना, अपने हेड के बराबर पर ही रखना, ना ही नीचे ना ही ऊपर। तो इससे फायदा ये होगा कि बंदे चाहे कितने भी दूर पर होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा एम तुम्हारे हेड के बराबर है तो वो एम उस बंदे के हेड के भी बराबर होगा, जिससे फायरिंग करने पर बंदे के हेडशॉट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखो अगर तुम लोग इस तरह का हेडशॉट लेना चाहते हो, जैसा कि तुम लोग बैकग्राउंड पर इस गेम प्ले को देखो, अगर तुम लोग इस तरह का हेडशॉट मारना चाहते हो उस बंदे को, तब तुम्हें क्या करना चाहिए वो समझो। देखो तुम लोग मान लो रन कर रहे हो एंड अचानक से
कोई बंदा आ जाता है तो स्टेप नंबर वन होगा कि तुम्हें सबसे पहले अपने स्विच बटन एंड जंप बटन को एक साथ प्रेस करना है। एक साथ स्विच बटन एंड जंप बटन को प्रेस करने से तुम्हारा कैरेक्टर इस तरह से मूव करेगा एंड तुम्हें अपने एमिंग करने में हेल्प होगी। तो देन तुम्हें अपने राइट साइड वाले स्क्रीन से एमिंग करना है एंड अपने एम को एडजस्ट करने के बाद बंदे के हेड के बराबर पर रखना एंड सिंपली तुम्हें क्या करना है, फायरिंग करना है। लेकिन देखो, जब तुम लोग फायरिंग करो तब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा एम है कहाँ। अगर तुम्हारा एम बंदे के हेड पर ही है तो तुम्हें सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस फायर बटन को प्रेस करना। मतलब कि फायर बटन को मूव नहीं करना है, बस सिंपली तुम्हें प्रेस करना है। लेकिन अगर तुम्हारा एम बंदे के इस साइड पर होता है तो सिंपली अपने फायर बटन को तुम्हें प्रेस करने के बाद इस साइड पर ड्रैग करना है। अब इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारा एम बंदे के इस साइड पर होता है तो इसके ऑपोजिट तुम्हें इस साइड पर ड्रैग करना है अपने फायर बटन। और इससे पहले जो तुमने इस सेटिंग को किया था, होल्ड फायर टू स्कोप, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन सब में। थैंक्स। एंड जैसे तुम लोग फायर बटन को छोड़ते हो तुम्हें तुरंत से स्विच बटन एंड रन बटन को प्रेस करना, ताकि मान लो अगर एक बार में तुम्हारा वन शॉट नहीं भी लगता तो तुम्हें सिंपली दूसरी बार मौका मिलेगा, बंदे तुम्हें डैमेज नहीं दे पाए, ताकि तुम लोग नेक्स्ट बार फिर से ट्राई कर पाओ एंड बंदे को हेडशॉट्स मार पाओ। अगर ऐसे में तुम्हें हेडशॉट मारने में थोड़ी सी अगर मुश्किल होती है तो फिर तुम लोग अपने एमिंग को इजी करने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। सिंपली तुम्हें क्या करना कि सिंपली जब भी तुम लोग फायरिंग करो तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करना। देखो यहाँ पर मैं कर्सर बटन का यूज कर रहा हूँ एंड उसी टाइम पर मुझे अपने इस राइट साइड वाले स्क्रीन से एम को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ताकि अपने एमिंग को और भी आसान कर पाऊं। और जैसे ही मेरा एम परफेक्ट वे पर सेट होता है तुरंत से मुझे फायर करना होता है एंड बाकी सभी स्टेप्स तो पहले जैसे ही है। देखो जब बंदे AWM को यूज करते हो तो ज्यादातर बुलेट्स बंदे को लगते ही नहीं और मिस हो जाते, और इस कारण से बंदे AWM या कोई भी स्नाइपर को यूज करना पसंद नहीं करते। तो देखो इसके लिए तुम्हें सिंपली एक चीज का ध्यान देना है, सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है अपने एम पर। देखो एम अगर बंदे के इस साइड पर हो, यहाँ पर देखो बंदा इस साइड पर है, मेरा एम इस साइड, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ जब फायरिंग करता हूँ तो फायर बटन को उसी साइड पर ड्रैग कर देता हूँ जिस साइड पर बंदे होते हैं। AWM गन की एक्यूरेसी ज्यादा होने के कारण अगर मेरा एम बंदे के आसपास कहीं पर भी चली जाती तो भी बंदे को डैमेज लग जाती है। और अगर तुम लोग स्नाइपर्स को विदाउट स्कोप चलाना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली क्या करना है कि अपने लेफ्ट फायर बटन का यूज करना। मतलब कि जितने भी स्टेप्स मैंने बताए वो सभी चीज सेम होंगे, बस तुम्हें राइट के बदले में लेफ्ट फायर बटन का यूज करना है। और जैसा कि तुम लोग बैकग्राउंड पर देख पा रहे हो, मैं लेफ्ट फायर बटन का यूज करके हेडशॉट्स मार रहा हूं। और इन्हीं ट्रिक का यूज करके मैं AWM गन को बहुत ही अच्छे से चलाता हूं, तुम लोग भी ट्राई करो। और गिल्ड टेस्ट के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, जाओ फॉलो करो और मुझे मेंशन करो 1v2 के गेम प्ले में।